बहुत कम बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि एक बार किडनैप या फिर लापता होने के बाद वह वापस अपने माता पिता के पास लौट पाए। तुर्की में आतंकियों के हाथों किडनैप हुआ हरियाणा के यमुनानगर का युवक सन्नी सुरक्षित लौटा। भारत सरकार और तुर्की पुलिस की मदद से सन्नी रिहा हुआ। सन्नी को बंधक बनाकर रखा था, साथ ही परिवार से 55 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी। फिरौती न मिलने की सूरत में सन्नी को आगे आतंकियों को बेचने का प्लान बनाया था। भारत सरकार और तुर्की पुलिस की मदद से सन्नी अपने घर पहुंचा और अभी भी दहशत में है। सन्नी ने मीडिया को दहशत भरी अपनी आपबीती बताई। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है। इन तस्वीरों में डरा सहमा दिख रहा यह युवक हाल ही में तुर्की से आतंकियों की कैद से रिहा होकर आया है। डरा सहमा सन्नी बिजनेस करने तुर्की में गया था। सन्नी ने वहां फ्लैट भी ले लिया था। सन्नी आतंकियों के निशाने पर था। आतंकी उसे अपना शिकार बनाकर उसके परिवार से मोटी रकम वसूलना चाहते थे। इस आतंकी गैंग के साथ पंजाब के सिरहन से एक रिंकू नाम का युवक था जो उन लोगों से मिला हुआ था। तो प्लान के मुताबिक जब सन्नी एक दिन बाजार में गद्दों की खरीदारी करने गया तो उसे वहां से एक कार में किडनैप कर लिया गया और उसे बांधकर ऐसी यातनाएं दी गई जिसे याद कर सन्नी अभी भी सिहर जाता है। बोल मैंने कहा रिंकू पाजी कहाँ पे हो, कह रहा मैं यहीं पे हूँ तू अपना। मैंने कहा मैंने सर मेरे को गद्दे दिला दो। बोलता है अभी कि ऐसा कर तू अपना जा वहाँ पे अपना यूचिस मेट्रो स्टेशन मेंड्रस तुर्की में ही है जो। फिर मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर उसका कोई बंदा खड़े थे दो, उसने मेरे को सीटी मारी इधर आ जा। मैंने कहा पाजी आप ही हो, कह रहे हाँ जी हाँ जी। रिंकू नहीं भेजा ना तेरे को? मैंने कहा हाँ जी सर। किडनैप की नहीं सही खड़े थे वहाँ पे। हाँ जी सर। सर मेरे को वो पता नहीं दूर ले गए इस्तांबुल से, पता नहीं कहाँ पे रास्ता पड़ता था मेरे को मालूम नहीं है सर, थोड़ा बाहर ही पड़ता था रास्ता। तुर्की से आने के बाद सन्नी अभी भी दहशत के साए में है। बार बार उसे वो सब कुछ याद आ रहा है, कैसे उसे बंधक बनाकर जानवरों की तरह मारा गया, भूखा प्यासा रख कर उसे तड़पाया गया। सन्नी ने बताया कि उसे बाजार से किडनैप किया गया और एक जगह ले जाकर बंधक बना दिया, फिर उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसे पेशाब करने के लिए भी नहीं जाने दिया जाता था, पेट पर टांगों पर बुरी तरह मारा जाता था। कभी वो उसे बेचने की बातें करते थे तो कभी उसे जान से मार देने की बातें। सन्नी ने बताया कि कैसे तुर्की पुलिस ने उसे रिहा करवाया। पुलिस ने पहले दरवाजा खटखटाया, उस समय भी वो रस्सियों से बंधा था। पुलिस अंदर आई, उन्होंने मेरे हाथ पांव खोले और जिन लोगों ने मुझे बंधक बना कर रखा था वो लोग पीछे छुपे हुए थे। उन सभी को पुलिस ने उस ऑपरेशन के दौरान पकड़ लिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तुर्की पुलिस ने कैसे बचाया। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मतलब कि जैसे भी मेरे घर वालों को बोलते थे वो कि मेरे सामने तो कोई बात भी नहीं करते थे पैसों पूसों की। तो सर वो बाहर जाकर अपना बात करते थे कि फोन लगाकर व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे कि अपना तू हमारे को पैसे दे दो अपना। मैं तो हम 95 पता नहीं 55 लाख रुपए थे कि हम 55 लाख रुपए कि इसको तबा छोड़ देंगे नहीं तो इसको हाथ पैर काट दिए जाएंगे। तो मेरे को बोलते थे तू सुबह रात को बोलकर सोए कि सुबह उठ जियो और तेरे को आगे जाना है। हमने बंदे के बाद जो कि मोहम्मद खान पाकिस्तान से रहने वाले हैं, कुछ अफगानिस्तान से भी हैं, तो वो लोग मेरे को बेच दिया था उन्होंने आगे 43 लाख रुपए में। और जो मेरे घर से मंगवाते थे 55 लाख रुपए की डिमांड करते थे नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे ये सर। वो अगर पैसे भी लेकर तब भी मेरे को छोड़ते सर। सन्नी के घर आने पर जहां सन्नी की माँ बेहद खुश है, वहीं सन्नी ने किडनैप की घटना अपनी माँ को बताई तो माँ से रहा नहीं गया और वह रोने लगी और सन्नी को गले से लगा लिया। सन्नी की माँ की आंखों से झलकते आंसू उस माँ का दर्द बयान कर रहे थे कि किस तरह से उनके बेटे को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई, लेकिन माँ की दुआओं में ऐसा असर था कि सन्नी उन आतंकियों से बच कर मौत के मुंह से बाहर आ गया। साढ़े तीन बजे हमें फोन आया दोपहर को कि आपका बच्चा किडनैप कर दिया उन्होंने, हमारे से पैसे मांगने लगे।
मेरा बच्चा परेशान हो गया, उसने कहा हम पैसे तेरे को देंगे, पर मैंने बता भाई से बात करा, भाई से बात करता है इसके टूटने का पैसे नहीं देते तेरे को, 55 लाख की डिमांड करता रहा। हमने कहा पैसे की कोई बात नहीं, तेरे को पैसा तो हम देंगे, बात तो करा। कभी कहता है इसका पैर काट के दूंगा, कभी कहता है इसका हाथ काट के दूंगा। जब हमने पुलिस से मदद मांगी, उन्होंने फ़ोन ट्रैकिंग पे डाले, मगर वो फ़ोन इंटरनेशनल कॉल थे, कोई पता नहीं लग रहा था हमें। जब रात को 1:30 बजे में फ़ोन आया, पर बात वो पंजाबी में करते थे, हिंदी में नहीं करते थे, बीच बीच में कोई कोई लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि भाई को अजीज बोलना, जैसे कि पैसे को हम लोग पैसा कहते हैं, वो कहते हैं पेटियां दे दो। हमें ने पूछा ये क्या है, कौन लोग हैं, ये पंजाब के हैं, कहता नहीं मम्मी ये पाकिस्तान। सुर्खी में किडनैप हुए युवक सन्नी को बचाने के लिए सन्नी के चाचा त्रिभुवन और संजीव उनके भाई सौरभ ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। सन्नी के चाचा त्रिभुवन भारद्वाज ने बताया कि सन्नी को पिछले सप्ताह तुर्की में अगवा कर लिया गया था। आरोपियों ने यमुनानगर में उसके भाई को फोन पर 55 लाख की फिरौती मांगी थी। त्रिभुवन के अनुसार वो लोग फोन पर पाकिस्तानी भाषा में बात कर रहे थे और फिरौती न मिलने की सूरत में सन्नी के हाथ पैर काट कर उसे खत्म करने की बात बोलते थे। हम लोगों ने जिला प्रशासन से मदद ली और इस मामले की जानकारी एम्बेसी ऑफ इंडिया में दी। यहाँ से संज्ञान लेने के बाद तुर्की पुलिस हरकत में आई। उन्होंने मोबाइल लोकेशन के हिसाब से हर घर की छापेमारी की। उसके बाद सन्नी को एक घर से रिहा करवा लिया गया। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले सन्नी कारोबार के सिलसिले में तुर्की गया था। यहाँ वह एक फ्लैट में रुक गया, जब उसे गद्दों की जरूरत पड़ी तो वह मार्केट चला गया। यहाँ उसे 2 आदमी मिले, उन्होंने कहा कि गद्दे उनके पास हैं, वह उनकी गाड़ी में बैठ जाए। 10-10 मिनट करते हुए वह उसे काफी आगे ले गए, इसके बाद एक कमरे में बंद कर दिया। आरोपी ने सन्नी के भाई को फोन कर 55 लाख की फिरौती मांगी। तुर्की पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और उसके बाद वह एम्बेसी ऑफ इंडिया के संपर्क में आया। वहाँ से संज्ञान लेने के बाद ही बुधवार को उनका भतीजा सन्नी घर सकुशल लौट पाया है। पूरे परिवार ने तुर्की पुलिस और भारत सरकार का धन्यवाद किया, क्योंकि यदि समय रहते सन्नी को तुर्की पुलिस ना बचाती तो शायद सन्नी कभी वापस नहीं लौट पाता। या तो वे सन्नी को आगे आतंकियों को बेच देते या मार डालते। मेरा भाई एक मौत के मुंह से बचकर आया है और इसको हमने तुर्की भेजा था व्यवसाय के चक्कर में, तो ये वहाँ पर अच्छा भला खुशहाल खुश था। मेरे को किडनैपर ने मुझसे 55 लाख रुपए मांगे कि अगर मेरे 55 लाख रुपए मेरे भाई के मुझे हमें दो, नहीं तो हम तेरे भाई को जान से मार देंगे या उसके हाथ पैर काट कर गिर देंगे। जब उनका 55 लाख मेरे अभी उनके कहने के अनुसार अगर मैं नहीं पहुँचा पाया तो उन्होंने आगे मेरे भाई को आगे बेचने का पूरा फिरत में थे, और उनको कुछ अफगानिस्तान जो कि तुर्की पुलिस ने अभी उनको पकड़ लिया है, और उनका पूरा आगे जो भी उनका प्लान था, जो भी उनका उन्होंने साजिश रची थी, उसका पूरा खुलासा हुआ है कि वो मेरे भाई को आगे बेचने लगे थे। हमने फिर आगे पुलिस प्रशासन से भारत सरकार का सहयोग लिया। सर उन्होंने 55 लाख की डिमांड की और बार बार एक बात कहते रहे, आपको पहले हाथ काट के भेजेंगे व्हाट्सएप पे, उसके बाद ही तुम मानोगे, 55 लाख रुपए चाहिए नहीं तो तुम्हारे भाई को मार देंगे, हाथ काट देंगे, ऐसे ऐसी उन्होंने रैंसम कॉल करी है। वो पंजाबी बोल रहे थे बट वो पाकिस्तानी टच, जैसे बीच बीच में थोड़ी उर्दू भी बोल रहे थे, तो पहले तो हमें इतना नहीं लगा सीरियस, लेकिन बाद में जब उन्होंने धमकी इस तरह से देनी शुरू कर दी भाई काट देंगे मार देंगे करके, तो फिर हमें लगा शायद ये टेररिस्ट ही हैं पक्के। तो हमने उसे फ़ोन करके जब हम ऐसे में उस एरिया का पता लगाया जहाँ पे रहते थे, तो पता चला भी वहाँ पे लगभग टेररिस्ट, कुछ टेररिस्ट भी रहते हैं और मतलब यही काम चलता है वहाँ पे। तो